बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू कैंटअप पब्लिशर वीडियो सेशन। इस लेसन को समझने के लिए आपके पास सोशल स्टडीज़ ग्रेड 3 की आपकी टेक्स्ट बुक, आपकी वर्कबुक, समर पैक और रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपकी वर्कबुक और समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में मदद देंगे। ये रिसोर्स पैक हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल और पेरेंट्स को बच्चे को लेसन बेहतर तरीके से समझाने में मदद देंगे। आपको हमारा समर पैक और रिसोर्स पैक कैंटअप की वेबसाइट से मिल जाएगा। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 3 का लेसन नंबर 4 देखेंगे। हमारे पास लेसन नंबर 4 है फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। हम आज इसका पहला एसएलओ देखेंगे, डिफाइन अ फॉरेस्ट। हमने अपने पिछले लेक्चर में फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा और सुना कि फॉरेस्ट क्या है और फॉरेस्ट के हमें क्या बेनिफिट्स हैं और दुनिया का कितना फ़ीसद हिस्सा फॉरेस्ट पर मुश्तमिल है। आज भी हम अपने इसी एसएलओ को देखेंगे, लेकिन हम अपनी बुक को सामने रख के इसको रीडिंग स्केल के थ्रू अचीव करेंगे। तो अपनी किताब आप अपने सामने रखें, उसका पहला पैराग्राफ देखें। फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज। जो सबसे पहला हमारे पास फॉरेस्ट का करेक्टरिस्टिक है, दैट इट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज। अगर आप अपने एनवायरमेंट पर, अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग्स को देखें, तो आपको बहुत सी ऐसी जगह नज़र आएंगी जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं, लाइक योर पार्क्स, योर प्ले ग्राउंड, फुटपाथ वगैरह। आपको बहुत सी ऐसी जगहें नज़र आएंगी जहाँ पर बहुत सारे दरख्त आपको नज़र आएंगे, लेकिन वो तमाम जगहें फॉरेस्ट नहीं हैं, क्योंकि फॉरेस्ट की करेक्टरिस्टिक ये है कि दैट इट इज़ बेस्ड ऑन लार्ज एरिया ऑफ लैंड विच इज़ कवर्ड विद ट्रीज़। कोई ऐसा एरिया जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो और दरख्तों से मुकम्मल तौर पर कवर हो, वो फॉरेस्ट कहलाएगा। कोई भी छोटा सा एरिया जहाँ पे कुछ दरख्त पाए जाते हों, वो फॉरेस्ट नहीं है। फॉरेस्ट एक बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया लैंड का फॉरेस्ट है। देन श्रब्स एंड ग्रास, ट्रीज़ के अलावा श्रब्स और ग्रास से कवर है। फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट इन मैनी वेज। दरख्त हमारे लिए बहुत से तरीक़ों से इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं, और वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें फॉरेस्ट की इम्पॉर्टेंस पता चलती है। दे सप्लाई टिम्बर एंड फायरवुड फॉर ह्यूमन यूज़। दे मेक द क्लाइमेट प्लेजेंट। फॉरेस्ट हेल्प अस इन रिड्यूसिंग हीट एंड पॉल्यूशन। ये देखें आप फॉरेस्ट के बेनिफिट्स कि हमें इससे टिम्बर, फायरवुड, यानी हमें मुख्तलिफ किस्म की लकड़ी मिलती है जो हम इंसान इस्तेमाल करते हैं, कभी उसको ईंधन के तौर पर या फर्नीचर बनाने में, और उसके अलावा हम लोग इससे मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन भी बनाते हैं। दे मेक द क्लाइमेट प्लेजेंट। जंगलात के बायस माहौल पर एक खुशगवार असर होता है। एंड फॉरेस्ट हेल्प इन रिड्यूसिंग हीट एंड पॉल्यूशन। और जंगलात से गर्मी में भी कमी आती है और आपके इर्द गिर्द आलूदगी में भी। देन वी सी द अकरेंस ऑफ फॉरेस्ट। पाकिस्तान हैज़ अ वेरी लिमिटेड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। पाकिस्तान में जंगलात बहुत ही कम तादाद में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट कवर ओनली 4.8% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ पाकिस्तान। आपने अपने पिछले लेक्चर में सुना कि जो हमारी वर्ल्ड है उसका 1/3 पार्ट फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट पर मुश्तमिल है, और उस 1/3 में से भी 4.8% फॉरेस्ट जो है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का बहुत ही थोड़ा हिस्सा फॉरेस्ट पर मुश्तमिल है। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान आर इन माउंटेनियस रीजन्स। खैबर पख्तूनख्वा हैज़ द हाइएस्ट शेयर ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जितने भी जंगलात हैं वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शेयर यानी सबसे ज़्यादा जंगलात खैबर पख्तूनख्वा में पाए जाते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन पाकिस्तान आर। पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ जंगलात हैं उनके नाम हैं अल्पाइन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रिवर एंड फॉरेस्ट, कॉर्निफरस फॉरेस्ट एंड कोस्टल मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो आज हमने देखा कि फॉरेस्ट क्या है। इट्स अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। सबसे जो बड़ी इसकी खसूसियत है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। कोई भी थोड़ा एरिया जहाँ पर दरख्त हों वो फॉरेस्ट नहीं है। फॉरेस्ट के लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया होना चाहिए जो जंगलात से कवर हो। और उसके अलावा हमने इसके बेनिफिट्स देखे। जिसमें हमारे पास हमें मेडिसिन मिलती है, मेडिसिन बनाते हैं, फूड मिलती है, क्लाइमेट पे उसके प्लेजेंट असरात हैं, पॉल्यूशन कम होती है, और उसके अलावा भी इसके कुछ
और भी बेनिफिट्स हैं जो आपने अपने पिछले लेक्चर में सुने। इसके बाद इसी से रिलेटेड आपके पास एक एक्सरसाइज है, अपना समर पैक निकालें, उसकी एक्टिविटी वन देखें। हेयर आर सम फॉरेस्ट फाउंड इन पाकिस्तान, अभी आपने कुछ नाम पढ़े जो फॉरेस्ट पाकिस्तान में पाए जाते हैं। राइट डाउन देयर एग्जैक्ट लोकेशन प्रोविंस, आपको यहाँ पे जो फॉरेस्ट दिए गए हैं आपने इनकी एग्जैक्ट लोकेशन देखनी है कि ये किन प्रोविंसेस में पाकिस्तान में पाए जाते हैं। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड गार्डियंस, आप अपने पेरेंट्स या अपने गार्डियंस से इसमें हेल्प ले सकते हैं। तो आपने देखना ये है अल्पाइन, कॉर्निफरस, टेम्परेट, कोस्टल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये कौन से प्रोविंस में पाए जाते हैं, रादर इट इज़ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। थैंक यू सो मच।